सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। और मैं लेके आया आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज़। ये दो चीज़ जो ये बॉक्स आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। ये देखिए अमेजोन से, और इसके अंदर कुछ बज रहा है। आपको भी बहुत इंतज़ार होगा इसके अंदर क्या है और क्या चीज़ है, किस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। और आपके लिए भी अगर बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये, और बहुत कम प्राइस में आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। और मैंने भी इसी कारण इसको मंगाया है प्रोडक्ट को, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको इसको, इसका पूरा सेटअप किस तरीके से इसको सेट करना है गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, आप अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंजॉय कीजिए गाइस। तो करते हैं इसकी ब्लॉगिंग, ठीक है गाइस। सो गाइस, पहले डब्बे में निकला है ये मेरे दो चीज़। ये गाइस जैसे आपको पता होगा बहुत लोगों को, और इसमें एक पिन है, इसमें लॉक टाइट हो रहा है काफ़ी। ओहो बहुत टाइट है, इसको खोलने का ओहो सिंपल ही तरीका है। सो गाइस ये खुल गया है, टाइट था ये। इसमें जो फिटिंग का है, इसके पीछे लगा हुआ है दो स्क्रू, देखिए ये नट टाइप का लगा हुआ है कुछ स्क्रू। ये दो नट मिला है मुझे गाइस इसमें। तो देखते रहिए आप वीडियो को और अच्छे से एंजॉय कीजिए। सो गाइस ये इसमें कुछ इस तरीके सा पिन है, ये देखिए ये पिन है और ये एक स्क्रू ये है, और ये पेपर वगैरह है इसके। सो ये पेपर ये किसी काम के नहीं है, डब्बे को साइड कर देते हैं। और अब दूसरा डब्बा की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। सो गाइस इसमें निकला है ये मास्क कुछ ऐसे मास्क की तरह निकला है गाइस। ये देखिए इसको ऐसे लगाएंगे तो गाइस ये है, आप मास्क नहीं गाइस, ये है कैमरा सेटअप, जो कि मोटो ब्लॉगिंग करने हेलमेट में जो लगता है। आपने अगर देखा हो वीडियोस को, काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है यूट्यूब में, तो गाइस मैंने ऑनलाइन देख के ही प्रोसेस किया। ये है इसमें एक्शन प्रो, सो गाइस इसमें लिखा हुआ है एक्शन प्रो, देखिए आप एक्शन प्रो लिखा हुआ है। सो कलर ब्लैक एंड ब्लू कलर का है ये, देखिए इसमें बैंड भी है काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये इसके साथ एक मिला है ये इसका होल्डर, जो कि इस पर लग जाएगा कुछ इस तरीके से लग जाएगा इस, ये देखिए इस तरीके से कुछ ये फिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसमें फिट हो गया। और फ़ोन का सेटअप वगैरह, तो चलिए गाइस मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोन का सेटअप पूरा इस पर लगा के तो कैसा लगता है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और हमको इसके लिए चाहिए गाइस एक बढ़िया सा हेलमेट, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है गाइस, जो मैंने अपने बाइक के मैचिंग का मंगा रखा है। देखिए गाइस ये ग्रीन कलर का, ग्रीन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। तो गाइस चलो इसको इसमें फ़िट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसमें फ़िट होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फिर से। तो ये है गाइस, इसको कुछ इस तरीके से, इसको देखिए इस तरीके से लगाना है गाइस, इस तरीके से इसमें फ़िट करना है। सो गाइस मेरा हेलमेट जो है गाइस बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी का, इसी के लिए ये हेलमेट बना होगा जैसे हिसाब से। देखिए इसका वो देखिए आप लुक देखिए, और ये देखिए ये पूरा ये। चलिए फिर इसको लगाते हैं, देख किस बात की शुभ काम में। अभी बजा आएगा ना भिड़ो इसको गाइस, इसमें बैंड दे रखा है गाइस, दो बैंड है इसमें। इस बैंड को सिंपली आपने ऐसे इसको उसमें घुसा देना है, इसके अंदर जो मिला हुआ है इसमें एक। सो आपने इसको अच्छे, सो गाइस मैंने अभी लगा रखा है माइक, क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी दूर है मेरे वहाँ से, तो इसको इस तरीके से सेटअप करना है। इसको टाइट से इसको फिट कर देना है इसमें, पहले इसको क्लिप है इसमें गाइस, क्लिप को दबा देना। और एक हो, एक दो है इसमें बैंड इस तरीके से, इसको सिंपली ऐसे फिट लेना है वैसे ही जैसे इसको किया है, काफ़ी टाइट से अच्छे से इसको टाइट कर देना। इसको अच्छे से इसमें घुसाना है दोबारा से, देखिए इसके जो होल्डर हैं जैसे बचपन में बैग वगैरह आप यूज़ करते थे उस तरीके से इसका कुछ होल्डर। इसको सिंपली इसको ये लॉक करके
उसको लॉक करना है गाइस इस तरीके से। इस तरीके से देखिए इस पे लॉक ये करना है और इसको ये इसको ऐसे प्रेस कर देना यूं करके। तो गाइस ये बैंड कुछ ऐसे रहेगा। अभी इसको अच्छे से टाइट कर देना गाइस ताकि हिले ना ये। और तरीके से बाइक में हेलमेट कैमरा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए गाइस। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से और इसको ये वाला तो सेटअप मेरा पूरा रेडी हो गया गाइस। ये देखिए इसको ये होल्डर है जैसा मैंने दिखाया आपको। इस होल्डर को जो है सिंपली आप ऊपर से इसको ऐसे करके डाल सकते हो। देखो ये सिंपली आपको ऐसे करके ये इस तरीके से ऐसे प्रेस करके डालना है इसको सिंपली। इसमें लॉक है आपको दिखा दूँ मैंने लॉक करके। ये देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल सेटअप बिल्कुल लग गया है। हेलमेट का ये जो मेरा है ये प्रॉपर लग चुका है गाइस। देखिए आप हेलमेट में जो लीड वगैरह ये तो सामने ऐसे प्रेस छुप जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और गाइस अब रहा ये वाला जो ये फ़ोन होल्डर का काम है। सो गाइस इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। इसमें इसको देखिए को फिट कर देते हैं। इसमें जो है ये सिंपल ये स्क्रू है ये निकल जाता है। ये वाशर टाइप की एक वाशर होती है जो गाइस वो है। और इसको इसको जल्दी से इसको फिट कर देते हैं। इसमें ये इसको फिट कर दिया मैंने गाइस। अच्छे से प्रेस कर देना अच्छे से टाइट कर देना। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और एक ये स्क्रू है स्क्रू को और कैमरे को इसको जो एक है जिसमें कैमरा लगेगा हमारा जिसमें फ़ोन होल्डर है हमारा जो है ये ना इसको उसमें ऐसे लगा देगा इसको अच्छे से। ये देखिए ये लगा देगा इसको और ये इसको स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे गाइस। इसको इसमें डालना है इसको जो है इसका है बैंड। ये देखिए ये बना हुआ है इसमें जो है ये इस पे जो है लगा हुआ है इसका होल्डर। और इसको ये सिंपली देखिए इसको ऐसे करके टाइट कर देना है गाइस। इसको अच्छे से टाइट कर देना ताकि हमारा जो सेटअप है वो हिले ना। इतना भी मत लगाना जोर के टूट जाएगी क्योंकि प्लास्टिक की है। और कैमरा ये देखिए गाइस तो हमारा फुल। इसमें आप चाहे तो एक्शन कैमरा चाहे तो गोप्रो चाहे कोई सा भी लगा सकते हो। खाली ये वाला होल्डर हटेगा और आपको कैमरा उसमें फिट हो जाएगा। तो दिखाऊं मैं आपको लगा के कैसा लगता है। मेरा फर्स्ट टाइम है ये गाइस। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके की कोई वीडियो बनाऊंगा लाइफ में। तो गाइस फ़ोन को लगा देंगे इसमें इस तरीके से ना। जो मतलब छोटी मोटी ब्लॉगिंग जो करते हैं मतलब जिनका बजट नहीं है अभी जैसे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बेहतर वो है। उसको मतलब अच्छे से बना सकते हैं अपना। इस तरीके से फ़ोन लग जाएगा इसमें। ये देखिए मैंने गाइस इसमें फ़ोन लगा लिया है अभी। और इसको जो है बेल्ट को हम और भी टाइट कर सकते हैं गाइस। इसको अपने अकॉर्डिंग ना जो है अपने अकॉर्डिंग टाइट कर देना है ताकि हिले ना सेटअप। अभी मैंने फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी जब मैं राइड पे जाऊँगा तो उसकी वो भी दिखाऊँगा मैं आपको किस तरीके से काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है। कि वीडियोज़ वगैरह आप भी देख के ना आप भी देखोगे। तो गाइस ये तो मेरा पूरा सेटअप हो गया तैयार। ये देखिए गाइस ये पूरा सेटअप तैयार हो गया है। इस तरीके से इसको फिट कर देना है गाइस। और इसमें ये देखिए पूरा मोटो व्लॉगिंग के लिए पूरा सेटअप। इस तरीके से हम बाइक चलाएंगे तो गाइस कैसा फील होगा बिना गोप्रो के हम बिना एक्शन कैमरे के मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं गाइस सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पैसों में गाइस। और इसके लिए गाइस को इसके अंदर एक लगेगा गाइस माइक लगेगा गाइस जो मैंने अभी ये लगा रखा। मैं देखिए मैं माइक से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना काफ़ी दूर है गाइस। ये मैंने माइक लगा ले रखा है। माइक मैंने पहले ले चुका हूँ मैं। दो माइक ऐसे पड़े हुए। तो गाइस इसको जो है सिंपली क्या करना पड़ेगा इसको कैमरे के इसके अंदर ताकि आपकी जो वॉइस है जो फ़ोन से है क्योंकि अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी जो वॉइस है जो बाइक वगैरह चलेंगी जो बाहर की आवाज़ होगी वो कैप्चर करेगी। तो माइक सिंपल इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर माइक लगा देंगे हम साइड पे। और जो ये इसकी वायरिंग है इसके इसके अंदर ही कुछ एडजस्ट कर देंगे इसमें। और यहाँ से जो है सिंपली लीड लगाकर और इसमें फ़ोन पर इस पर लगा देंगे होल्डर पर। ठीक है तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल रात हो रही है। मैंने सोचा इसका वीडियो बना दूँ आपको। तो मैं मॉर्निंग में आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा ब्लॉगिंग का कैसा लगता है। तो मेरा सेटअप कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस। तो देखिए गाइस अगर आपको इसकी मोटो ब्लॉगिंग देखनी है बाइक पर राइड देखनी है तो गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा ये मेरा जो ये सिस्टम जो मैंने बनाया है मोटो व्लॉगिंग के लिए, बाइक के लिए। अच्छे से देखिए ये। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके साथ राइड पे गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय।